आपका भाई अलम नियाजी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBL द रियल बकरा लवर में। तो आज मैं आया हूँ अपने बचपन के दोस्त से मिलने, और मेरा भाई है, हम लोग साथ में क्रिकेट खेला करते थे और मेरे भाई का शौक बन गया है बकरेबाजी। तो आज डायरेक्टली मैं आपको फ्रंट कैमरे से उससे मिलवाऊँगा। आजा भाई, एक तू पहला इंसान होगा, अरे पहला इंसान होगा जो डायरेक्टली मेरे फ्रेम में आएगा फ्रंट कैमरा से। तो इनके हमारे भाई की मैं चाहता हूँ, हमारे भाई को तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बकरेबाजी लाइन में हर इंसान आकिल भाई को जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। और हमारा मेरा और इनका ताल्लुक क्रिकेट से हुआ था चालू, और उसके बाद भाई ने बकरेबाजी की लाइन जो है चालू की है। थोड़ा बहुत इनसे इनके बारे में जानेंगे लेकिन बैक कैमरे से, तो बने रहिए। तो ये है हमारे आकिल भाई। अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। आकिल भाई, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब पर। पहली बार आप आ रहे हो ऑफिशियली पर्सनली, तो सबसे पहले भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बकरेबाजी का जो शौक है ये कब से लगा आप लोगों को? भाई ये तो शौक अपने घर से ही चला आ रहा है, क्योंकि जब हमारे दादा के टाइम से घर में भैंसें पलती थी, तो जब बड़े हुए तो अपनों को भी शौक लग गया, तो अपनों को बकरों का शौक लग गया। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि बाप दादा के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। तो चलाएगा तो घर में कोई ना कोई तो शौक लगेगा ही लगेगा। आकिल भाई, एक तीखा सा सवाल करना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि जो ज़्यादातर लोगों से मैं भी पूछता हूँ और सारे YouTube चैनल्स पर पूछा जाता है कि जो भराई अपन भराई करते हैं कि पलाई, पहले तो ये बताएं। नहीं, अपने पास खुद का बकरा है और अपन खुद ही भराई करते हैं, मतलब पलाई का बकरा नहीं अपने पास। ठीक है, तो भराई के लिए सवाल है ये कि फार्मर लोग जो है आजकल क्लेम करते हैं कि 170-180 किलो बिना भराई के बकरा बनाया है हमने। हाँ, हो जाता ना, है ना। और हम लोग देखते हैं कि जो भराई के बकरे होते हैं वो मुश्किल से 170-180 पे हम लोग पहुँचा पाते हैं, तो इतना इजीली वो लोग कैसे पहुँचा लेते हैं? प्लस आपका क्या कहना है इस बात को? मसला जो है ना भाई, वो लोग पालते हैं 3 साल बकरे को, वो 100 किलो का बकरा लेके 3 साल में 180 किलो करते हैं, और प्लस 180 किलो करने के अंदर भी बहुत कम बकरे 180 होते हैं, 160-165 होते हैं, और उसमें दूध भी पिलाया करते हैं, वो भी 2-2.5 लीटर दूध पिलाते हैं। और भराई में ये रिजल्ट है ना भाई कि आप 100 किलो का बकरा दो और 12 महीने बाद आप 165-170-180 किलो आपको मिल जाएंगे। मतलब भराई में ये रिजल्ट है कि एक साल में रिजल्ट है, एक साल में रिजल्ट है, और मूस सेल फिटिंग के अंदर एक साल में रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, बहुत से बकरेबाजों ने ये भी कहा है कि क्या होता है कि झूठ भी बोलते हैं लोग, भराई चलती है थोड़ी बहुत अंदर अंदर। क्या होता है ना भाई, जैसा सेल फिटिंग में बकरा 3 पाव दाना खा रहा है, थोड़ी बहुत पत्ती खा रहा है, प्लस आप उसको 2 लीटर दूध पिला दे रहे हो, तो उसको भराई की जरूरत ही क्या, 2 लीटर दूध मायने रखा था। ठीक है, और एक जनरली बकरे की क्या उम्र रहती है? अपना मालवा ब्रीड की बात करूंगा मैं, कि जिस जब वो भराई पे आ जाता है तैयार हो जाता है भैया भराई के लिए। 4 दांत के बाद आप भराई पे ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। क्या होता है, 2-4 दांत तक तो वो हाइट लेता है, उसके बाद आप भराई करेंगे तो ठीक है, या आप पहले से उसको भराई लगा देंगे तो जो वो हाइट लेना वाला वो रोक देगा। अच्छा, तो आकिल भाई, क्या इस बार के जो सबसे नायाब और खूबसूरत बकरे थे वो तो सेल आउट हो गए हैं? जी बिल्कुल। जो थोड़े बहुत हमने देवास मंडी में कवर किए थे पर्सनली कर नहीं पाए हैं, तो एक बकरा देखेंगे आज अपन। तो चलिए देखते हैं। जी आकिल भाई, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाई, बकरा आपका देखा और इतना वजन होने के बाद भी भाई क्या बढ़िया पैर है इसके, कि उसने एक बच्चे का वजन भी ले लिया है। माशाल्लाह नंबर, ये घर का बच्चा बहुत एक्टिव बच्चा है। जी मतलब जी, बेटा है, बेटा ही है, आप चला के देखो, बहुत स्पीड से ले जाएगा इसे। बिल्कुल देखेंगे भाई। अभी तो ये बकरे के डिटेल बताइए भाई थोड़ी सी लोगों को। 38-39 इंच हाइट पे है और 143 किलो तुलावा वेट है इसका। हाँ हाँ हाँ,
अच्छा ये बकरा नॉट फॉर सेल के लिए है, ये बकरा सेल हो चुका। अच्छा अच्छा, बताना चाहेंगे किसको कहाँ हुआ है? जी बिल्कुल, ये बकरा जाएगा नागपुर में टीपू हाजी साहब के। अच्छा, टीपू हाजी साहब के पास। भाई ये ब्रीड नहीं बताई, ब्रीड बालवाई है? नहीं भाई, ब्रीड ये पतिरा और सोजत में क्रॉस है। पतिरा और सोजत में क्रॉस है, कई लोग इसे यूं कहते हैं कि तोता परिया भाई। ठीक है, और अपने पास कब से है ये? ये अपने पास पूरा साल ही हो गया लगभग। ठीक है, जब आया था क्या वेट पे था? 100 किलो के समथिंग था। ठीक है, और अभी क्या बताया? अभी 143 किलो चला हुआ है। ठीक है, तो ये अपन का रिजल्ट है ये एक साल में, तो ये पूरे दांत हो गया? हाँ, दांत में तो पूरा रंग हो गया। ठीक है, माशाल्लाह अकील भाई आपका शौक तो लाजवाब है, और भी बकरे देखना थे मुझे, लेकिन और लोगों को भी मेरे कमेंट में आते थे कि अकील भाई के पास जाओ, लेकिन इस बार तो एक ही बकरा दिखा पाए हैं, बाकी तो सेल आउट हो गए हैं। तो अगली बार इंशाल्लाह देखेंगे, और अगली बार के पहले अपन जो आपके सेटअप है, मेरे पास अभी दो बकरे बहुत नायाब है, नर बकरे हैं जो जी चाचा दांत के ऊपर साइड में जी, इंशाल्लाह वो अपन कवर करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि बकराईद के बाद आपका एक सेटअप की भी वीडियो बनाएंगे अपन इंशाल्लाह, कि अपन इस बार जो भी तैयारी के लिए बकरा ला रहे हैं वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बनाना चाहेंगे अपन। अपन पालेंगे जी, अपन काटे की वीडियो भी करेंगे, और नेक्स्ट ईयर में उसको फिर अपन रिजल्ट भी बताएंगे इंशाल्लाह। सवाल लेता हमेशा ये फार्मर कहता है कि सेल फिटिंग के ऊपर बकरा 180 किलो का रहता है, एक साल का रिजल्ट नहीं रहता, और हम लोग जो पढ़ाई से करते हैं हम आपको एक साल का रिजल्ट बताएंगे कि अगर हम 100 किलो का बकरा लेते तो साल भर में क्या रिजल्ट है। बिल्कुल इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये बताएंगे। ठीक है अकील भाई, आपका शौक देख के बड़ा अच्छा लगा, और लोगों का हुजूम जमा हो गया है, तो ये वीडियो मैं यही रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।